हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेमा 3D प्रो। गाइस, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक है कॉलम की फुटिंग कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉलम का फुटिंग कितने तरह से होती है और उसका सही तरीका क्या है। उससे पहले, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉलम कितने तरह के होते हैं। तो जनरली कॉलम तीन तरह के होते हैं। पहला है स्क्वायर कॉलम, दूसरा है रेक्टेंगुलर कॉलम और तीसरा है सर्कुलर कॉलम। स्क्वायर कॉलम जिसका लंबाई चौड़ाई दोनों साइड से बराबर हो, जैसे जनरली अगर 1 मंजिला या 2 मंजिला मकान हम लोग बना रहे हैं तो 9 इंची बाय 9 इंची का कॉलम देते हैं, वो स्क्वायर कॉलम बोला जाता है। दूसरा है रेक्टेंगुलर कॉलम, जो कि 4 मंजिला 5 मंजिला है और कॉलम टू कॉलम का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसमें रेक्टेंगुलर कॉलम देते हैं, जिसमें 10 इंची बाय 15 इंची, 10 इंची बाय 18 इंची, इस तरह का कॉलम हम लोग देते हैं। तीसरा है सर्कुलर कॉलम, यानी राउंड गोल कॉलम। तो गोल कॉलम कहाँ पर देते हैं, मान लीजिए हॉल है, बड़ा एरिया है और बीच में कॉलम आ रहा है, तो उसको हम लोग राउंड कॉलम दे देते हैं। तो ये तीन तरह का जनरली कॉलम चलता है। अब आते हैं कॉलम कास्टिंग पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को गड्ढा करना है। तो गड्ढा का साइज क्या होना चाहिए, तो नॉर्मली 9 इंची बाय 9 इंची का कॉलम है, तो गड्ढा का साइज लंबाई 4 फीट, चौड़ाई 4 फीट होना चाहिए और गहराई भी 4 फीट मिनिमम होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप लेते हैं तो बेहतर है, लेकिन मिनिमम गहराई 4 फीट होना चाहिए और लंबाई और चौड़ाई भी 4 फीट होना चाहिए। गड्ढा कर लेने के बाद सबसे पहले बेस पे सैंड फिलिंग होता है, जो कि मिनिमम 3 इंच का बालू का एक लेयर आप बेस पे डाल दीजिए। उसके बाद जाली। तो जाली कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह से जाली का स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। उसके बाद कॉलम, कॉलम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह से कॉलम का स्ट्रक्चर तैयार कर लेने के बाद इसको प्लेस करना है। तो जाली को नीचे गड्ढा में बैठाने के बाद, जो लेआउट के टाइम कॉलम का सेंटर मार्किंग किया हुआ था, उसी मार्किंग के अनुसार कॉलम को जाली में प्लेस करना है। उसके बाद ढलाई करने के लिए सेटिंग कर देना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्क्रीट कास्टिंग की तरफ। तो यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि कास्टिंग तीन तरह से होती है। पहला है पैड फुटिंग, जिसको हम लोग सिंपल फुटिंग भी बोलते हैं। दूसरा है स्लोप्ड फुटिंग, तीसरा है स्टेप्ड फुटिंग। तीनों का इमेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पैड फुटिंग यानी सिंपल फुटिंग, एक प्लेट की तरह बेस बनता है, उस पर कॉलम कास्टिंग होता है। दूसरा है स्टेप्ड फुटिंग, जो कि सीढ़ी की तरह बनेगा। नीचे का बेस चौड़ा होगा, उससे ऊपर आने से थोड़ा सा चौड़ाई कम होगा, उससे ऊपर आने से उसका चौड़ाई थोड़ा कम होगा, उसके बाद कॉलम का जो साइज है वो कंटिन्यू ढलाई होता चला जाएगा। तीसरा है स्लोप्ड फुटिंग, जो कि नीचे बेस जो प्लेट की तरह बनेगा, उसके बाद चौड़ाई ज़्यादा होगा और ऊपर जाते जाते चौड़ाई कम होता जाएगा, उसके बाद कॉलम का जो साइज है वहाँ तक जाके ख़त्म होगा और फिर कॉलम का ढलाई कंटिन्यू ऊपर तक जाएगा। तो ये तीन तरह से कास्टिंग किया जाता है, तीनों ही बेहतर है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से कास्टिंग होता है, आपका जैसा रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप इसको कास्टिंग कर सकते हैं। ढलाई करने के बाद दूसरे दिन सेटरिंग हटाना है और फिर 3 से 4 दिन अच्छे से उसमें पानी देना है। पानी डालना बहुत ज़रूरी है फुटिंग, क्योंकि बिल्डिंग का सारा लोड कॉलम पर ही होता है, तो पानी में कमी नहीं आना चाहिए, पानी अच्छे से उसमें देना चाहिए। 3 से 4 दिन 5 दिन पानी देने के बाद ही उसमें मिट्टी डालना है। तो ये पूरा प्रोसेस है कॉलम कास्टिंग का। आई होप कि ये आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट बच गया है तो आप कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब हम देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, और इस तरह का वीडियो आगे और भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।